आखिर क्यों चोरी करते करते थक गए चोर, चोरी की रिपोर्ट आखिर क्यों नहीं कराया दर्ज। जी हां, यूपी के नोएडा में पुलिस ने एक 10 माह पुरानी चोरी की घटना हैरान करने वाला खुलासा किया। एक पास की सोसाइटी के फ्लैट से शातिर चोरों ने हजार नहीं लाखों नहीं बल्कि करोड़ रुपए सोना और ज्यादा से ज्यादा दस्तावेज चोरी कर ली है। खबरों की माने तो चोरों ने जिस माल पर हाथ साफ किया था वो सब काला धन था। सबसे बड़े चौंका देने वाली खबर ये है कि किसी चोरी के बारे में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया गया। पुलिस ने इस बारे में खुलासा तो कर दिया, पर उनकी परेशानी तब बढ़ गई जब उनके पास 6 चोर 8 करोड़ रुपए का माल बरामद हुआ। केस तो था पर कोई माल का दावेदार नहीं था, जबकि चोरों का कहना यह है कि जब वो चोरी करने के इरादे से घर में घुसे तब 34 करोड़ से भी ज्यादा कैश और भारी मात्रा में सोना रखा था, जबकि उन्होंने 7 करोड़ कैश और 40 के आसपास ही सोना चोरी किया और बाकी अगली बार के चोरी के लिए वही छोड़ा है। बाद में उस फ्लैट का नौकर गोपाल बाकी रखे पैसे और सोना लेकर हो गया फरार। लेकिन ताजुब की बात यह है कि इस फ्लैट का मालिक राममणि पांडे और उसका बेटा अभी तक कोई पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं कराया। बता दे, दोनों बाप बेटे विदेश में रहते हैं, जिसके बाद से ही पुलिस उन्हें ढूंढ रही है ये जानने के लिए आखिर उन्होंने पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं कराया, जबकि उनके इतने सारे पैसे और सोना हो गया था चोरी। अब इस मामले का खुलासा करने के लिए कमिश्नर ने रखा है 1 लाख का इनाम, जो उस पुलिस टीम को मिलेगा जो पहले पकड़ेंगे इन बाप बेटों को। इस वीडियो पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट कर जरूर बताएं, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। देखते रहिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।